हाँ जी आज हमें ममता की यादगार ताजमहल बनवाया आज हमें ममता की यादगार ताजमहल बनवाया लेकिन कारीगरों के हाथ का जिसकी यादगार में ताजमहल बनवाया वो देहधारी था या आत्माभिमानी था? है देहधारी था, देहधारी क्या अंजाम देगा? देहधारी की यादगार कायम करने से अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा? देहधारी की यादगार कायम करने के लिए जो सहयोगी बनेंगे उनके लिए अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा? है बुरा होगा, तो बुरा अंजाम हुआ। इसमें वंडर क्यों खाना चाहिए? यहाँ तो बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मुझे याद करेंगे संगम युग में, मुझे याद करेंगे, मुझे याद करने के संस्कार डालेंगे तो भक्ति मार्ग में मेरी यादगार कायम करेंगे। क्या है मेरी यादगार? है अरे देवताओं की यादगार है, देवताओं के मंदिर, देवताओं की मूर्तियां। मेरी यादगार क्या है? है शिवलिंग, मैं और मेरी, मैं आत्मा हूं। ये किसने कहा? आत्मा हूं, आत्मा ही था और आत्मा ही रहूंगा। मैं कभी भी देहधारी नहीं हूं, तो मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा का मेरा क्या है? कुछ मेरा है या नहीं है? है नहीं है? अरे मेरा नहीं है, क्या है? क्या है मेरा? सुप्रीम सोल कहे कि मैं आत्मा हूं, फिर मेरा क्या है? अरे मैं गॉड हूं, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। राजा होता है, राजा की गद्दी कौन सा संबंधी संभालता है? है बेटा संभालता, बेटों में भी कौन सा बेटा? बड़ा बेटा संभालता है। तो मैं आत्मा हूं और मेरा भी है। उस मेरे में जब मैं आता हूं मुकर्रर रूप से तो वो सदाकाल के लिए निश्चय बुद्धि बन जाता है। और आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती रहती हैं। आज कहती है मेरा बाप और माया फाइनल पेपर लेती है तो माया रावण के बन जाते हैं। तो मैं कैसे कहूं मेरा? सदा काल का मेरा चाहिए। आदि में भी विष्णु क्या, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, आदि हुई थी नई सृष्टि की, तो पहले पहले कौन सा बड़ा देवता है? वो तो निवृत्ति हो गई। क्या
God is one. One, तो निवृत्ति कहें या प्रवृत्ति कहें? है तो निवृत्ति हो गई, क्योंकि God is one हो गया. मैं आता हूं, मैं भगवान हूं, तो भगवान आकर क्या बनाता है? भगवान भगवती बनाता है. तो लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग हुआ, वो विष्णु का रूप हुआ. सृष्टि की आदि में पहले पहले कौन? विष्णु. आदि में भी विष्णु और अंत में भी विष्णु. आदि सो अंत. मैं आता हूं, तो मैं आत्मा सुप्रीम सोल, मेरी आत्मा का नाम शिव है. मेरी आत्मा का नाम शिव है, बिंदी का नाम शिव है, और कोई का नाम शिव नहीं है. कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो सदाकाल शिव अर्थात कल्याणकारी हो. कोई है? नहीं है. फिर मैं आत्मा शिव और मेरा बच्चा, उसको शिव कहें? है नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि जब मैं आता हूं, उस मुकर्रर में प्रवेश करता हूं, तो लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद वो मेरा बच्चा बाप समान बनता है. अर्थात क्या बनता है? कल्याणकारी बनता है. मैं शिव, तो मेरा बच्चा भी शिव बनता है. माने पहले नहीं था, वो सदाकाल के लिए शिव नहीं है. मैं सदाकाल के लिए शिव हूं. मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, वो भी शिव स्टेज को प्राप्त करता है पहले पहले. इसलिए शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया गया है. तो मेरा वो रूप पूजा जाता है, उसको शंकर की मूर्ति नहीं कहेंगे. क्या कहेंगे? शिवलिंग. लिंग बड़ा होता है या बिंदु बड़ा होता है? है लिंग बड़ा रूप है और बिंदु छोटा रूप है. मैं छोटे से छोटा, महीन से महीन, मेरे से जास्ती महीन कोई हो नहीं सकता. वो मैं शिव हूं. और जो बड़े से बड़ा, विराट रूपधारी बनता है. भक्ति मार्ग में विराट के चित्र में क्या दिखाया गया? देवताएं भी दिखाए, राक्षस भी दिखाए, जानवर भी दिखाए. माना सारा संसार उस विराट में भरा हुआ है. जैसे कि मनुष्य शक्ति का बीज है, उस शक्ति रूपी बीज में सारी दुनिया समाई हुई है.
इसलिए लिंग को बड़े से बड़ा बनाते हैं। वो मेरा बड़ा रूप है, इसलिए कहते हैं मुरली में, अच्छा मेरे सूक्ष्म बिंदु रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़े को ही याद करो तो भी कल्याण होगा। बड़े रूप को याद करेंगे तो भी कल्याण होगा, क्योंकि बड़े का भी अंतिम स्वरूप क्या है, है? अंतिम स्वरूप भी कल्याणकारी, वो सहज से सहज हो जाता है। साकार को याद करने वाले चरित्रवान बन सकते हैं, चरित्रवान हो जाते हैं, और बिंदु को याद करने वाले क्षिप्र गति वाले होते हैं, तीव्र पुरुषार्थी तो होते हैं लेकिन चरित्रवान देवता नहीं बन पाते। जितने भी विधर्मी हैं, चाहे वो विधर्मी धर्म पिताएं हों, चाहे उनके फॉलोअर्स हों, वो निराकार प्रेमी होते हैं या साकार देवताओं के प्रेमी होते हैं? निराकार प्रेमी होते हैं तो अंत में ज्ञान लेंगे, अंत में भगवान के स्वरूप को पहचानेंगे, लेकिन बिंदु को याद करने से परमधाम वासी बन जाते हैं, क्षिप्र गति वाले बन जाते हैं, पुरुषार्थ की दौड़ में पीछे होते हैं। यही कारण है कि स्वदेशी बाप को पहले पहचानते हैं या विदेशी पहले पहचानते हैं? क्यों क्यों पहचानते हैं? क्योंकि वो निराकार प्रेमी निराकार को याद करने से महीन बुद्धि बन जाते हैं, उनकी पुरुषार्थ की दौड़ तीखी बन जाती है। परंतु साकार प्रेमी नहीं होते हैं, साकार में आए हुए भगवान को निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं पहचान पाते, इसलिए और धर्म पिताओं धर्म गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं। संगम में भी ऐसे ही होता है, इसलिए रास्ते बदल जाते हैं। बुद्धि सिरक जाती है, क्षिप्र गति वाले होते हुए भी कछुए और खरगोश की दौड़ का मिसाल बन जाता है। क्या है कछुए और खरगोश की दौड़ का हिसाब है? दोनों में दौड़ हुई, खरगोश दौड़ करके आगे निकल गया, बहुत दूर चला गया, कछुए की आंखों से ओझल हो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ दौड़ता है। खरगोश को आया अहंकार, अरे ये कछुआ क्या चलेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर ले, बस झाड़ी में गया और सो गया, सोया तो सोया ही रह गया। और कछुआ धीमी धीमी चाल चलते चलते आगे निकल गया। तो यही हिसाब है माताएं साकार उपासी होती हैं, गोपिकाएं साकार की ज्यादा महिमा करती थी या उद्धव की तरह निराकार की महिमा करती थी? साकार की महिमा करती थी,
तो साकार उपासी होने के कारण वो 16,000 गोपिकाएं देवी देवताओं के रूप बन गए। जो विदर्भी है उस प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पाते। एक आदमी बोलो। वही वही बातें बार बार पूछते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ये मुरली रोज सुनते ही नहीं। एक अनुसुईया के बारे में कितनी बार बताया हुआ है। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में चार युगों की शूटिंग का हिसाब 2004 में पूरा हुआ और अष्टदेवों के पार्ट खुलना शुरू हो गए, तो 2005 से बताते चले आ रहे हैं। फिर वही वही बात बार बार। अनुसूया का अर्थ होता है असूया अर्थात ईर्ष्या देश, अनुसूया माना ईर्ष्या देश से परे। पवित्र आत्मा को ईर्ष्या देश ज्यादा होता है या अपवित्र को जास्ती होता है? जो अपवित्र आत्मा होती है उसको सौतिया डर जास्ती होता है और जो पवित्र आत्मा होती है उसको ईर्ष्या दे सौतिया डर नहीं होता है। तो नाम ही रखा गया अनुसूया अर्थात पवित्र स्टेज वाली आत्मा। कितनी पवित्र? 3 देवताएं त्रिदेव परम पवित्र माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों का रूप पुरुष रूप में है या स्त्री रूप में पूजा जाता है? मुख्य पुरुष रूप में। और ये कौन से युग की यादगार हैं तीनों देवताएं? है संगम युग की यादगार हैं, सतयुग में तो होंगे नहीं। तो संगम युग में जो भी पुरुष मात्र हैं वो सब दुर्योधन दुशासन का विशेष पार्ट बजाने वाले हैं या नहीं है? है? चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो विष्णु हो चाहे शंकर हो। हाँ, कन्याओं माताओं के लिए कहा है कि कन्याएं माताएं सब द्रौपदियां हैं, सीताएं हैं, तुम सब पार्वतियां हो। तो त्रिदेव के मुकाबले उनकी जो साथी 3 देवियां हैं वो ज्यादा पवित्र हैं या त्रिदेव ज्यादा पवित्रता का पाठ बजाते हैं? है? 3 देवियां ज्यादा पवित्रता का पाठ बजाने वाली है। तो 3 देवियों को ये अंदर से उमंग उल्लास रहता है कि संसार में 33 करोड़ देवताएं उच्च माने जाते हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में भी 3 देवताएं मुख्य हैं और हम उनकी सहयोगिनी शक्तियां हैं। जब तक हम उनको सहयोग नहीं देंगे वो आत्माएं त्रिदेव भी पवित्र नहीं बन सकते। कितना उमंग उत्साह रहता है पवित्रता का, परंतु वो तीनों ही देवियां
रुद्रमाला के मणके हैं, राइटियस मणके हैं या नहीं है? है? विजयमाला के मणके हैं इसलिए राइटियस हैं, और रुद्रमाला में भी अगर है जगदम्बा सरस्वती तो राइटियस है या लेफ्टिस्ट है? लेफ्टिस्ट है, राइटियस तो नहीं कहेंगे। तो रुद्रमाला और विजयमाला, रुद्रमाला है बाप की माला और विजयमाला है हैं विष्णु की माला। जो विष्णु की माला है वो रचना की माला है या रचयिता की माला है? विष्णु शंकर ब्रह्मा तीनों क्या है? रचना है। रचयिता में ज्यादा ताकत होती है या रचना में ज्यादा ताकत होती है? रचयिता में ज्यादा ताकत होती है, इसलिए रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें भी दो प्रकार के हैं, एक राइटियस एक लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट का मूल है जगदम्बा और राइटियस मणकों का मूल है जगत पिता। तो जो राइटियस रुद्रमाला के मणके हैं उनमें जगत पिता की तो बात छोड़ दो, क्योंकि वो तो मुकर्रर रथ है, उसमें कौन प्रवेश करता है? है? शिव बाप एवर प्योर प्रवेश करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे, ड्रामा प्लेन अनुसार उसमें तो सदैव ऊंचते ऊंच का प्रवेश होने के कारण संग जैसे कि लगाई हुआ है, परंतु जो और मणके हैं रुद्रमाला के राइटियस मणके उनमें शिव तो नहीं प्रवेश करता है? नहीं, कहेंगे बाप दादा प्रवेश करते हैं लेकिन शिव प्रवेश नहीं करता। अगर शिव भी प्रवेश करने लगे तो कहेंगे सर्वव्यापी, दो में प्रवेश करता है तो बीस में भी कर सकता है, वो तो एक व्यापी है सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए रुद्रमाला के जो पहले मणके के अलावा और मणके हैं उनमें शिव प्रवेश नहीं करता, बल बाप दादा प्रवेश करते हैं। तो अन्य मणकों के बीच में अब्बल नंबर मणका कौन सा हुआ? रुद्रमाला के राइटियस साइड के मणकों में पहले को छोड़कर अन्य मणकों के बीच में अव्वल नंबर कौन है? है? अरे जो पहले 12 हैं वो कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी हैं। उन 12 में पहला तो हो गया सूर्य, जिसके लिए बोला गया है शास्त्रों में भी, मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो वो हुआ सूर्य, उसकी बात छोड़ दो। उसके बाद जो और मणके हैं राइटियस साइड के
उनमें अव्वल नंबर कौन है जिसको कहा गया काशी। काश्य शब्द से बनता है काशी। काश्य माने तेज, काशी माने तेज का पुंज स्थान। यहां सदैव तेज भरा हुआ है। तो शिव शंकर भोलेनाथ की प्यारी नगरी संसार में कौन सी गाई हुई है? काशी नगरी। दिल्ली नहीं गाई हुई है, दिल्ली नगरी तो ऐसी गोद है जिसकी गोद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब समाये हुए हैं, सब की प्यारी है। लेकिन काशी नगरी किसकी प्यारी है? शिव शंकर भोलेनाथ की प्यारी नगरी है। तो वो सदैव वो मणका बाप के साथ रहने वाला है। संगम युग में भी साथी और 84 जन्मों में भी साथी। हाँ, आखिरी जन्म में तो सांप जाकर के माया के बन जाते हैं। कोई बचता है? माया किसी को छोड़ती नहीं। तो सूर्यवंश के बाद अगला नंबर कौन से वंश का आता है? चंद्रवंश। तो जो दूसरा मणका है रुद्रमाला का, वो अंतिम जन्म में जाकर के चंद्रवंशियों के अधीन हो जाता है। माया उसको भी घसीट लेती है। सदैव बाप का बनकर नहीं रहने देती, परंतु फिर भी कहेंगे जो असदेव सदैव बाप के साथी हैं, जन्म जन्मांतर के साथी हैं, उनमें वो काशी नगरी विशेष गाई हुई है। इसलिए काशी के लिए गायन है कि हिरण्याक्ष राक्षस जब सारी पृथ्वी को पतन के गर्त पाताल में लिए जा रहा था, ले गया था, तो काशी नगरी उस पतन के गर्त में जाने से छिटक गई। इसलिए भक्ति मार्ग में अभी तक भी गायन है, जो काशी में जाकर के मरेगा वो अमर हो जाएगा, स्वर्गवासी बनेगा। ऐसी पावन नगरी है पावन नगरी, सभी की प्यारी है। आज प्यारी नहीं भी है तो कल प्यारी बन जाएगी, क्योंकि जो भगवान का प्यारा वो सांप का प्यारा होना है। जो राग द्वेष करते हैं उनका दिल दूसरों से नहीं मिलता है। जो किसी से राग द्वेष करे ही नहीं तो उसका दिल सबसे मिलेगा। दिल को दिल से राहत होती है, इसलिए उस संबंध का नाम पर दादी दिया है। दादी नहीं,
क्या नाम? परदादी। एक होती है माँ, माँ का लगाव या तो छोटे बच्चे से ज्यादा होता है या तो बड़े बच्चे से ज्यादा होता है। समझती है खुदा न खास्ता अगर पति ने शरीर छोड़ दिया तो मेरी पहले पहले पालना कौन करेगा? बड़ा बच्चा करेगा। बड़ा बच्चा बड़ा हो गया, बुद्धि में बड़ा हो गया, शारीरिक बल में बड़ा हो गया, वो तो ज्यादा कमाई कर लेगा, ज्यादा धनवान, ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। छोटा बच्चा तो अभी बाद में पैदा हुआ, ये तो वारसदार बाद में बनेगा। पता नहीं बड़े भाइयों ने उसको प्रॉपर्टी दी या न दी। तो माता का मोह या तो छोटे में ज्यादा होता है या बड़े में जास्ती होता है। तो यहां भी ऐसे ही है, बाप कहते हैं कि जो परदादी है वो छोटा बड़ा नहीं देखती है। दादी के लिए भी पौत्रे सब बराबर बराबर देखने में आते हैं, तो परदादी के लिए तो और ज्यादा बराबर है। राजाओं की सभा लगती थी, लक्ष्मी को माता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के साथ बैठती है और महालक्ष्मी वो तो लक्ष्मी की जैसे सास हो गई, तो ऊंची गद्दी पे बैठती है या नीचे बैठती है? ऊंची गद्दी पे बैठती है। और सास की भी जो सास होगी की तो और ऊंची गद्दी हो गई। तो यही हिसाब है, जो नई दुनिया की स्थापना होती है, नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है, उस नई दुनिया के फाउंडेशन में वो आत्मा निमित्त बनती है पालना करने के लिए। शंकर की दो पत्नियां दिखाई जाती हैं, एक सती और दूसरी पार्वती। दोनों सदैव साथ ही रहती है क्या? नहीं। लेकिन काशी नगरी जब से आनंद कानन काशी का निर्माण होता है तब से लेकर सदैव ही आनंद कानन काशी शंकर की प्यारी नगरी होकर रहती है। तो नाम पड़ता है अनसुईया, परदादी का कोई बच्चे से राग द्वेष नहीं होता है। में बताया गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फेरे, उसका क्लियर करके बताइए, उसका क्लियर करके बताइए, समझने नहीं आए। जब ज्ञान की बाढ़ आवेगी सारी दुनिया में, ज्ञान को जल कहा जाता है, तो सारी दुनिया में जब पानी की बाढ़ आवेगी कैसे आवेगी? पृथ्वी पर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
दोनों स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, माने वो स्थान सूर्य से दूर हो जाते हैं, तो ज्यादा ठंडी पड़ेगी या कम पड़ेगी? ज्यादा ठंडी हो जाती है। इतनी ठंडी होती है कि मीलों ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं बर्फ के। जब विनाश होता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? क्यों बढ़ेगा? विनाश होने से पहले ज्ञान सूर्य और ही गर्म होता जाएगा या ब्रह्मा उर्फ हिमालय राज जहां सदैव बर्फ जमी रहती, हिम आलय उसकी तरह ठंडा रहेगा है? और ही गर्म होता जाएगा। इतना गर्म होगा कि लोगों का दिमाग क्रैक होने लगेगा। फैसला नहीं कर पाएंगे, हार्ट फेल होने लगेंगे। और जो अपने ही हाथों के बनाए हुए एटम बम हैं, उन बम्बों को फोड़ने लगेंगे। तो पृथ्वी का वायुमंडल सीमा से ज्यादा गर्म हो जाएगा। अभी भी होता जा रहा है। अभी भी वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो पहाड़ हैं वो फटने लगे हैं। एटम बमों की मार से वो पहाड़ टूट टूट करके समंदर में आ जाएंगे तैरते हुए। तो समंदर का जल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? स्तर बढ़ जाएगा। जो बाबा कहते हैं ये बंबई नगरी डूब जाएगी। बंबई माया की नगरी है हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरह दुनिया के हिसाब से अमेरिका माया नगरी है। जैसे बंबई में धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, वैसे ही दुनिया के हिसाब से कौन से देश में धन संपत्ति ज्यादा है? अमेरिका। जिसके लिए बाप दादा कहते हैं मेरे का आओ, तुम मेरे हो क्या या माया के हो? तो अमेरिका वाले ज्यादा माया के बने हुए हैं या भगवान बाप के बने हुए हैं? माया के बने हुए। वो माया भी देश न सृष्टि के आदि काल में इस दुनिया में मौजूद थे और न अंत काल में मौजूद रहेंगे। वो चाहे बंबई हो या अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि हो, वो पहले भी समुद्र के गर्त में समा गए थे। तो जो समुद्र के गर्त में पहले भी समा गए थे वो अब भी समा जाने वाले हैं। इतनी ज्ञान की बाढ़ आवेगी, पानी की बाढ़ आवेगी। जब बाढ़ आती है तो पानी शुद्ध रहता है या मटमैला हो जाता है? मिट्टी किसको कहा जाता है? देह अभिमानी की मिट्टी सारी दुनिया के पानी में
मिक्स हो जाएगी, ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाएगा, ज्ञान सतो प्रधान रह जाएगा या तमो प्रधान रह जाएगा, तमो प्रधान हो जाएगा, देह अभिमान की मिट्टी मिक्स हो जाएगी, तो जीव जंतु मरेंगे या जिंदा रहेंगे, मरेंगे। इसलिए बोला चाहे पश्चिम में अमेरिका हो, चाहे पूर्व के जापान और ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे उत्तर के यूरोपीय देश हो, चाहे दक्षिण का अफ्रीका अरब देश हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहूंगी से काल फिरे, काल के गाल में सारी दुनिया समाती चली जाएगी। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया जलमयी हो गई, क्या सारी सृष्टि पर जलमयी हो गई। आज के कवियों को भी वो सात्विक भावना आदिकाल की याद आ जाती है, तो जयशंकर प्रसाद जैसे कवि भी लिख देते हैं अपनी कविताओं में, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, हिमगिर माने हिमालय पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ है ना दुनिया का, वो भी डूब जाएगा कि रहेगा, वो भी डूब जाएगा, हिंदुस्तान डूबता है, हिंदुस्तान अविनाशी देश है, भारत देश या विनाशी देश है, अविनाशी देश है, दुनिया के सबसे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है। तो बोला हिमगिरी माने हिमालय पहाड़ की ऊंची चोटी पर, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, जैसे शिव बाबा के लिए कहते हैं एवर प्योर, उससे ज्यादा प्योर कोई है ही नहीं, ऐसे ही सबसे श्रेष्ठ सभ्यता पूर्वी सभ्यता है, ईस्ट माने पूरब, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी सभ्यता की उसकी यादगार है एवरेस्ट, हिमालय के उत्तरी भाग में खड़ी हुई है, उस उत्तुंग शिखर है माने चोटी पर, वो चोटी का ब्राह्मण बैठ के देखता है क्या कि सारी दुनिया जलमयी हो गई, सब डूब मरे, क्या पहले स्थूल में डूब मरे या सूक्ष्म में डूब मरे, पहले तो सूक्ष्म में डूब मरे, देह अभिमानी की मिट्टी बढ़ेगी, आंखों से अंधे हो जाएंगे, सिवाय देह के और कुछ दिखाई नहीं पड़े, उसी में बूढ़ जाएंगे, हिरण्याक्ष राक्षस सबको कहां ले जाएगा, उसे गड्ढे में गिराए देगा, तो वो एक पुरुष भीगे नैनों से सारी दुनिया के ऊपर विश्व का राज्य करने वाला और सारी दुनिया डूब मरे, राज्य भी कैसा, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा सारी दुनिया के लोग जिसके कुटुंब के भांति बन जाते हैं, सब उसे पहचानते हैं ये मेरा आदि पुरुष आदि पिता है, जैसे बाप के बच्चे होते हैं अनेक, तो छोटे बड़े सभी बच्चे बाप की दुकान को बाप के धंधे को किसका धंधा समझते हैं, अपना धंधा समझते हैं, विश्व कल्याण के धंधे को सारी दुनिया किसका धंधा समझेगी, अपना और अपने बाप का धंधा समझेगी, ऐसी आत्मे
तो षष्ठी रूपी मनुष्य के पिता के पुत्र के समान होती है, और वो सब अनिश्चय बुद्धि हो जाए, सूक्ष्म मृत्यु हो जाए, और बाद में स्थूल मृत्यु भी होगी, स्थूल जल में भी दो बोड़म बोड़ होंगे, तो उसके दिल को कैसा लगेगा? ऊंची पहाड़ की चोटी की शीतल छाया में बैठा बैठा वो जलमयी को देखता है, तब उसमें डूब मरे। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह, जल की धारा तीव्र गति से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही थी। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि जब उनका अंतिम टाइम आया तो कोई भी उनके पास नहीं था, अकेले ही शरीर छोड़ा। तो ये जलमयी हो जाती है, सारी दुनिया काल के गाल में समा जाती है, और बच्चों को ज्ञान देने के लिए आता हूँ, देख वाले आंख में किसी में नहीं दिखते हैं, वो जो एडवांस के बच्चे हैं बाबा, जो आंख में किसी में नहीं दिख पा रहे होंगे, तो क्या एडवांस के? पहली पहली पढ़ाई क्या है? बाप आते हैं तो पहले पहले क्या परिचय देते हैं, क्या बताते हैं? माता को बताने दो। हाँ, क्या बताते हैं? तुम आत्मा हो। तो पहली पहली पढ़ाई जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, या जो पहली पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे? पहली पहली पढ़ाई जो पढ़ते हैं, मैं आत्मा रूपी सुई और मेरे 63 जन्म की सुई के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है विकारों की, वो आत्मा समझते समझते कट उतरती है। जो ये प्रैक्टिस करते हैं वो एडवांस के कहे जाते हैं, वो आगे बढ़ गए। एडवांस माने आगे जाना। जिनकी कट उतरती है वो ही डायरेक्ट बाप से सीखते हैं, जिनकी कट उतरती नहीं वो डायरेक्ट आए हुए बाप को पहचानते ही नहीं, वो अम्मा के रूप में आए हुए को पहचानते हैं, डायरेक्ट बाप को नहीं पहचानते। बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ को जानता है पहले या बाप को जानता है? ऐसे यहां भी सारी सृष्टि ब्रह्मा के बच्चे, खासकर ब्राह्मणों की सृष्टि, उसमें भी कोई छोटे कोई बड़े होंगे या नहीं होंगे? जो छोटे बच्चे वो बच्चा बुद्धि, जो बड़े बच्चे वो अपन को पहली पढ़ाई, जो कक्षा एक की पढ़ाई है प्राइमरी, वो पढ़ाई पढ़ लेते हैं, हिज कर लेते हैं, मैं आत्मा, तो वो एडवांस कहे जाते हैं। तुमने बाप को पहचाना, जाना, और बाप की मत पर चलते हैं नंबरवार। जो जानते ही नहीं पहचानते ही नहीं वो मन मत पर चलेंगे या देहधारी मनुष्यों की मत पर चलेंगे, दीदी दादी दादाओं की मत पर चलेंगे या भगवान की मत पर चलेंगे? वो चल रहे हैं प्रैक्टिकल में। ये ज्ञान
रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। अपनी आत्मा को रियलाइज करो। मैं डायरेक्ट बाप का बच्चा बना हूं, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा हूं, या बाप से विमुख हूं? बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा नहीं बना हूं, तो गोया बाप को नहीं पहचाना। फिर उनको एडवांस कैसे कहेंगे? हाँ, छोटा बच्चा भी आगे चल के क्या होगा? बड़ा बनेगा, तो नंबर पीछे हो जाएगा वर्षा लेने में या आगे होगा? हाँ, आगे होगा। जो छोटा भाई होता है वो वर्षे के हकदार पहले बनता है या बाद में बनता है? बाद में बनता है। बनेंगे तो हकदार, लेकिन बाप को नहीं पहचाना। देहधारी गुरुओं के मत पर चल पड़े, दीदी दादी दादाओं की मत पर चल पड़े। इसलिए बाप से बाद में प्राप्ति करेंगे। और शंकर देवतन के ताज बंद हुए और शनिचर देवता के ताज नहीं बंद हुए। जिन्होंने शंकर या शनिचर? शंकर देवता। अच्छा, ये तो उल्टी बात हो गई। एक होता है ताजधारी बादशाह, कैसा बादशाह? ताजधारी बादशाह, जिसको ताज लगा हुआ है। कौन सा ताज है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने कौन सा ताज दिया? कौन सा ताज है? जिम्मेवारी का ताज। कौन सी बड़े से बड़ी जिम्मेवारी है? पहली पहली बड़े से बड़ी जिम्मेवारी कौन सी है हर एक आत्मा की, देवता बनने वाले की? पवित्रता का ताज धारण करना। क्या साधु संत महात्माएं होते हैं, उनको और मनुष्यों के मुकाबले पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? है? क्या पवित्र कहेंगे? साधु नाम ही पड़ता है जो साधना करते हैं, इंद्रियों को साध लेते हैं। क्या? इंद्रियों को साध लेते हैं। ब्राह्मण परिवार में बहुत से ब्राह्मण हैं, सरेंडर भी हैं और नॉन सरेंडर भी हैं। यज्ञ की कोई जिम्मेवारी सौंपी गई, मान लो रसोई घर उनको सौंपा गया संभालने के लिए। अब रसोई घर संभालने वाला, रसोई घर में भांति भांति के व्यंजन रखे हुए हैं, अगर उसकी इंद्रिय सधी हुई है मुख की जिभ्या की, तो सामने रखी हुई चीज होते हुए भी, भूख होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी वो उसे खाएगा नहीं। अगर इंद्रिय सधी हुई नहीं है, लोलुप है, तो क्या करेगा? इधर उधर देखेगा और झट से रसगुल्ला मुंह में चला जाएगा। एक मिसाल दिया, ये एक इंद्रिय की ही बात नहीं है, ये तो फिर भी श्रेष्ठ इंद्रिय है। चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो और चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, इंद्रियों का भोग सामने हो, सामने रखी है थाली परती हुई, कोई भी नहीं भले देख रहा है। क्या
तो भी बगुला भगत न बन जाए। एक टांग से खड़ा हुआ है, दुनिया देख रही, बड़ा अच्छा तपस्वी है। मछली आई भले मरी हुई क्यों न, फटाक से गप, फिर एक टांग पर। तो उसको साधु नहीं कहेंगे, वो साधु नहीं है, सभाधु है। और बाप भी यही कहते हैं, मैं साधु बन करके नहीं आता हूं, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं। बाप साधु सन्यासी बन के आते हैं, है? बाप प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं या साधु सन्यासी बन के आए हैं? प्रवृत्ति मार्ग में आए, और हद के प्रवृत्ति मार्ग में आए हैं या बेहद का प्रवृत्ति मार्ग है? बेहद का प्रवृत्ति मार्ग है। इस बेहद के प्रवृत्ति मार्ग में बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। जिन्होंने अपने जीवन को तन से, मन से, धन से, समय संपर्क संबंधियों से प्रैक्टिकली अर्पण किया हुआ है, वो सारे जीवन के साथी भी हैं। छोटी छोटी उम्र वाली बच्चियां भी हैं, समान उम्र वाले भी हैं, माताएं भी हैं, प्रैक्टिकल जीवन में माताएं हैं, लौकिक जीवन में भी माताएं हैं और अलौकिक जीवन में भी माताएं हैं। उनका धर्म भी बता दिया, माताओं को बाप के साथ पहले पहले कौन सा संबंध निभाना है? बच्चे का संबंध पक्का करना है। क्या चाहे बूढ़ी माता हो, चाहे प्रौढ़ उम्र की हो, चाहे 16 साल 18 साल की माता हो, बाप के लिए क्या है? माता है। और माता भी उसे क्या समझे बाप को? ये मेरा बच्चा है। बाबा बड़ा चालाक है, जानता है माताओं की भावना। अगर एक बार बैठ जाए कि ये मेरा बच्चा है तो भावना बदलेगी? माता की भावना नहीं बदल सकती। बेटी माया बेटी बन सकती है। क्या बेटी और बाप का संबंध, उसमें माया बीच में आ सकती है, आती है आज की दुनिया में खास। लेकिन माता और बच्चे का संबंध कभी खराब नहीं होने देती माता। बच्चा राक्षस भले बने लेकिन माता सुमाता न भवती। तो ऐसे पारिवारिक सर्व संबंध निभाने के लिए बाप ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में आया हुआ है। तो सब तरह के संबंध निभाता है या एक ही संबंध निभाता है? सब तरह के संबंध निभाता है। सब तरह के जो संबंध निभाता है उनमें बेटियों का भी संबंध है, और उन बेटियों में बाप की ऐसी भी बेटियां हैं जो माया बेटी का रूप धारण कर लेती हैं, है या नहीं है? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी या स्वधर्मी होंगी? है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली। माया बेटियां जो हैं वो बाप की वृत्ति को भी चेंज करने के निमित्त बनती हैं, क्योंकि पुरुष
और स्त्री में विशेष अंतर क्या है? क्या अंतर है कि पुरुष सदैव ही, खास करके कलयुग में, सदा ही हर स्थान पर एकांत पा करके दुर्योधन दुशासन बन सकता है, लेकिन स्त्री अपनी पर उतर आए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो शक्ति न बन पाए। कन्याएं माताएं शिव शक्तियां बन के दिखाती हैं, बनती है, इसलिए कलश किसके ऊपर रखा है? माताओं के ऊपर कलश रखा है, भाइयों के ऊपर कलश नहीं रखा है। उनके ऊपर आशा बाप को, क्यों? बाप को आशा नहीं है, इसलिए बल प्रजापिता मुकर्रर रथ में आता हूं तो भी प्रजापिता में आशा है कि वो पूरी पवित्रता धारण करके स्वर्ग बनाने का फाउंडेशन डालेगा। आशा है? है? नहीं है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, उसमें ब्रह्मा और प्रजापिता भी आ जाता है। इसलिए बोला, मैं साधु संत सन्यासी नहीं हूं, मेरे गुणों में और देवताओं के गुणों में महान अंतर है। देवताओं के गुण क्या है? सर्वगुण संपन्न, सूला कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और मेरे भी यही गुण है क्या? नहीं, मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊं तो दुनिया में असुरों की संख्या हजार गुनी ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? असुरों की संख्या ज्यादा है। उनका अगर खलासा नहीं होगा, ये दुनिया का वाइब्रेशन सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। इसलिए मैं सर्वगुण संपन्न बन करके नहीं आता हूं, मैं सोलह कला संपूर्ण बन जाऊं तो ये जो कलाहीन भरे पड़े हैं इस दुनिया में, इनसे टक्कर क्या देवात्मा ही लेंगी? ब्रह्मा की आत्मा इनसे टक्कर लेगी? नहीं ले सकती। तो मैं सोलह कला संपूर्ण नहीं हूं, संपूर्ण अहिंसक मैं बन जाऊं तो ये दुनिया में हिंसक राक्षस जानवर जैसे भरे पड़े हैं। द्वापर के आदि में ही भारत में अलेक्जेंडर बन करके मार काट मचा दी। द्वापर के आदि में तो धर्म सतो प्रधान होने चाहिए या तमो प्रधान होने चाहिए? कोई भी धर्म सात्विक होना चाहिए, लेकिन आदि में ही ऐसा बवाल मचा दिया। तो ऐसे असुरों को ठिकाने लगाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बाप आया हुआ? माने बड़े से बड़ा दुनिया का असुर क्यों न हो, उसका भी बाप आया हुआ है। तो मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं, मैं तो हर युग में, चाहे वो सतयुग हो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला युग, और चाहे वो कलयुग हो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला युग, दोनों में प्रवृत्ति मार्ग वाला बनकर के रहता हूं या निवृत्ति मार्ग वाला बन के रहता हूं? है, प्रवृत्ति मार्ग वाला हूं। ओम शांति।